हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। नमस्कार फ्रेंड्स, फार्मासिनो देखने वाले आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का इस सेशन में मैं आपके लिए लेके आया हूँ नवरात्र, जो कि शुरू हो चुके हैं। और इस नवरात्र की सबसे पहले आप सभी व्यूअर्स को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नवरात्र विशेष। माँ दुर्गा जो नौ रूप हैं, माँ दुर्गा के जो नौ रूप हैं, वो नौ रूप हमें क्या मैसेज देते हैं, उन मैसेज को मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये नाइन लाइफ लेसन्स जो माँ दुर्गा से हमें मिलते हैं, इन लाइफ लेसन्स को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं नाइन लाइफ लेसन्स फ्रॉम नौ दुर्गा से नौ लाइफ लेसन्स जो हम सीख सकते हैं वो कौन कौन से हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो नवरात्र शुरू हो चुके हैं और नवरात्र के पहले दिन होता है माता शैलपुत्री का। और शैलपुत्री जो माता हैं, ये गॉडेस हैं जो पावर लव और रीडिस्कवरिंग के लिए आप अपने भक्तों को पावर लव और रीडिस्कवरिंग के लिए एनर्जाइज करती हैं। दोस्तों, जैसा कि वी आर इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड और हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जुड़े हुए हैं। सो दोस्तों, ये माता कहती हैं कि पावर लव और हेल्प्स इन द रीडिस्कवरिंग, ये आपको फिर से खोजने में, ये आपको अपने अंदर की कमियों को निकालने में हेल्प करती हैं। तो इन माता शैलपुत्री ये कहती हैं कि आपके अंदर जो कमियां हैं उसको रीडिस्कवर करिए और उसको आप दूर करिए। इसके साथ साथ ये अपने वर्क प्लेस पे आपको अपनी पावर और अपना लव और अफेक्शन दिखाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। दूसरा बात करते हैं ब्रह्मचारिणी की, जिनको जो अपने भक्तों को पैशन टू अचीव पाने की जिद, जुनून, दोस्त अपने भक्तों को जुनून देती हैं। और इनसे हमें यह लेसन मिलता है कि हमें भी अपने कार्य को करने के लिए जुनून दिखाना होगा, हमें पैशन दिखानी होगी अपने, चाहे अगर आप सेल्स में हो, जो हमारे फ्रेंड्स सेल्स में हैं, उन सेल्स फ्रेंड्स के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आपका टारगेट जो है, उस टारगेट को अचीव करने की ताकत हमें ब्रह्मचारिणी देवी से मिलती है, माता ब्रह्मचारिणी से मिलती है। बात करते हैं चंद्रघंटा की। तो चंद्रघंटा जो देवी हैं, वो रूप है पॉजिटिव एनर्जी और ऑब्जर्वेशन की रूप हैं। और इनसे हमें ये मैसेज मिलता है दोस्तों कि हमें अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करनी चाहिए। हमारे आसपास चीज़ें कितनी भी खराब हों, चारों तरफ नेगेटिविटी भरी हुई हों, लेकिन फिर भी हमें अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट करना होगा और ये पॉजिटिव एनर्जी हमें आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। इसके साथ साथ ये ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, हमारे आसपास जो निगेटिविटी हैं हम उसको कैसे ऑब्जर्व करते हैं, हम उसको कैसे देखते हैं, जो भी हमारी परिस्थितियां चाहे जो भी हो, उन परिस्थितियों में हम बेटर ऑब्जर्वेशन अगर कर लेते हैं तो हम सक्सेस जरूर प्राप्त करेंगे। तो हमें ऑब्जर्वेशन की ताकत मिलती है माता चंद्रघंटा से। बात करते हैं कुष्मांडा। माता कुष्मांडा क्या करती हैं, इरेडिकेट्स डार्कनेस। माता कुष्मांडा अंधेरे को दूर करती हैं। दोस्तों, जैसा कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हमारे चारों तरफ कुछ ना कुछ कमियां हैं, जो अंधेरे हैं, हमें उन अंधेरों से दूर होना होगा, उन अंधेरों को इरेडिकेट कर देना होगा, निकाल बाहर करना होगा, या हमारे अंदर की जो अंधेरे हैं, हमारे अंतर्मन का जो अंधेरा है, उस अंतर्मन के अंधेरे को भी हमें साफ करना होगा। हमारी सफलता निश्चित ही हमारी कदम चूमेगी। बात करते हैं माता स्कंद माता की। स्कंद माता जो एक डिवोटी हैं ग्रेस लव और अफेक्शन की। फ्रेंड्स, लव और अफेक्शन हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या हमारी जो प्रोफेशन है उसमें लव और अफेक्शन का कैसा रोल है, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, हम सब कहीं ना कहीं कन्वर्सेशन ही करते हैं और हर व्यक्ति अपने कन्वर्सेशन के माध्यम से लोगों के दिल में अपनी जगह को बनाता है। दोस्तों, माता कुष्मांडा लव और अफेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए कहती हैं, जैसे कि हम अपने वर्क प्लेस पे हैं,
तो हमें सारे जो भी हमारे कलीग्स हैं, जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, उनके बीच हमें लव और अफेक्शन दिखाना होगा। ये हमें हमारे कार्य को संपादित करने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। बात करते हैं माता कात्यायनी की, तो माता कात्यायनी की बात करते हैं। माता कात्यायनी फाइट बैक अगेंस्ट ऑल एज ए कैप्टन। माता कात्यायनी आपको लीडर बनने की प्रेरणा देती है। अगर चाहे जो भी चीज़ें हों, कोई भी चीज़ गलत हो, हमें उनके पीछे लड़ना होगा, हमें बुराइयों का अंत करने के लिए लड़ना होगा। तो माता कात्यायनी हमें और जो भी गलत चीज़ें हैं, जो भी बुरी चीज़ें हमारे साथ घट रही हैं, उनसे लड़ने के लिए इंस्पायर करती हैं। और ये अगर आप टीम लीडर हैं तो आपको लिए एज ए कैप्टन बनके सारी ऑब्स्टेकल्स को दूर करके अपने टीम को साथ लेके चलने के लिए हेल्प करती हैं, बताती हैं माता कात्यायनी। बात करते हैं माता कालरात्रि की, तो कालरात्रि के सब जानते हैं ये डिस्ट्रॉय द इविल्स, जो भी बुराइयां हैं उनको ख़त्म करती हैं, नाश करती हैं। दोस्तों, हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ बुराइयां होती हैं, सबके अंदर कोई ना कोई बुराई फंसी हुई है। उस बुराई को इरेडिकेट कर दीजिए, उस बुराई को डिस्ट्रॉय कर दीजिए। जैसे हम पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाते हैं, ये हमारे लिए एक बुराई है, बट अगर हम पब्लिक स्पीकिंग करने का प्रयास करें तो धीरे धीरे ये बुराई हमसे दूर हो जाएगी। दोस्तों, चाहे हमारे पास जो भी कोई ऐसे ऑड्स हैं जो हमारे तरक्की को रोक रहे हैं, उन इविल्स को, उन बुरी लत को हम अपने वर्क से दूर कर दें। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है अपने कार्य को पोस्टपोन करते हैं, तो हम इन सारी बुराइयों को दूर कर लें तो हमारा सक्सेस निश्चित है। ये मैसेज हमें देती हैं माता कालरात्रि। बात करते हैं माता महागौरी की ब्यूटी पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंस। माता महागौरी ब्यूटी पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंस की डिवोटी हैं और अपने डिवोटीज को ये सारी चीज़ें प्रदान करती हैं। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि एज अ आप भी अगर कहीं भी रिप्रेजेंटेटिव के लिए वर्क कर रहे हैं, एज अपने टीम लीडर वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे पर्सनालिटी या किसी भी जॉब के लिए पर्सनालिटी क्या मायने रखती है, पर्सनालिटी ही आपको आपके नए आयाम को निर्धारित करती है। दोस्तों, पर्सनालिटी, ब्यूटी और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जितना हाई होगा आपके सफलता के चांस उतने ही अधिक होंगे। आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करिए और ये मैसेज देती हैं माता महागौरी। बात करते हैं लास्टली माता सिद्धिदात्री की, तो माता सिद्धिदात्री न्यू स्किल्स को अपने डिवोटीज को प्रोवाइड कराती हैं। तो माता सिद्धिदात्री बोलती हैं, कहती हैं कि आप अपने अंदर नए स्किल्स को जनरेट करें। जब आप अपने अंदर नए स्किल्स को जनरेट करेंगे तो आपके सक्सेस के चांस और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। जैसे हमें कोई स्किल्स सीखनी है तो हमें उसके लिए लगना होगा और अपनी स्किल्स को डेवलप करना होगा। दोस्तों, ये सारे मैसेज जो माता नौ दुर्गा से हमें मिलते हैं, इनको अपने लाइफ में डाल लीजिए, इनको अपने डेली रूटीन में डाल दीजिए, आप निश्चित ही सफलता की सीढ़ियों को प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर अपने ज़रूरी फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करिए। जल्दी हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए मोटिवेशन के साथ, एक नए इंस्पिरेशन के साथ। तब तक के लिए बने रहिए फार्मा ट्रेनर को यूट्यूब चैनल पे। हमें लॉगिन करने के लिए टाइप करिए www.youtube.com/pharmatreno। धन्यवाद।